नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, ऊंचाई फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एक और एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे ऊंचाई फिल्म ने 18वें और 19वें दिन यानी कि सोमवार और मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया। दरअसल दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कलेक्शन के आंकड़े काफी लेट जारी किए जा रहे हैं और संशोधित आंकड़े लगातार प्राप्त होते रहते हैं, तो मैं आज आपको जो एक्यूरेट डाटा अब तक जो मंगलवार तक का डाटा मेरे पास है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऊंचाई फिल्म ने संडे को 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और 17 दिनों का इसका जो टोटल कलेक्शन था, इंडियन नेट कलेक्शन था, उसका फिगर आया था 28.42 करोड़ रुपीज। हालांकि कई जगह 28.52 करोड़ रुपए भी बताए गए, लेकिन मैं मिनिमम मान के चलता हूँ यहाँ पे 28.42 करोड़ रुपीज इंडिया नेट 17 डेज का। उसके बाद में दोस्तों, मंडे और ट्यूजडे को यह संभावना व्यक्त की गई थी, ये प्रिडिक्शन आया था कि ऊंचाई के कलेक्शन में काफी ज्यादा ड्रॉप होगा, 50% से ज्यादा का ड्रॉप होगा और ये कलेक्शन काफी नीचे चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, हुआ उल्टा। ऊंचाई फिल्म ने सोमवार और मंगलवार को जबरदस्त उड़ान भरी, जबरदस्त ऊंचाई की तरफ मतलब कि अपने कदम बढ़ाए। किस प्रकार से बढ़ाए? क्योंकि जितना कलेक्शन संडे को आया उतना ही कलेक्शन मंडे और ट्यूजडे को भी आया है, ये एक बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि ऊंचाई फिल्म की लोकप्रियता बरकरार है, ऊंचाई फिल्म के पास अभी भी शोज है और सबसे ज्यादा फायदा उसको इस बात का मिला है कि बेड़िया फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं कर पाई। मंडे और ट्यूजडे दोनों ही दिन बेड़िया फिल्म के कलेक्शन में काफी ड्रॉप हुआ है, बेड़िया फिल्म के शोज काफी कम हो गए और इसका सीधा सा फायदा ऊंचाई फिल्म को मिला है और इसी का नतीजा है कि ऊंचाई फिल्म का सोमवार को और मंगलवार को कलेक्शन बहुत ही बेहतरीन रहा है। सोमवार और मंगलवार का कलेक्शन के बारे में अलग अलग रिपोर्ट तो मुझे नहीं मिली है, लेकिन दोनों दिनों का मिला करके ऊंचाई फिल्म का कलेक्शन 2.5 करोड़ रुपए आया है। आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, मेरा भी प्रिडिक्शन यहाँ पे गलत साबित हो रहा है। मेरी भी उम्मीद ये थी कि 40-50 लाख के आसपास इसका कलेक्शन सोमवार और मंगलवार को रहने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रिडिक्शन गलत हो। अगर फिल्म का कलेक्शन मेरे प्रिडिक्शन से ज्यादा आता है तो मुझे खुशी ही होगी, क्योंकि एक अच्छी मूवी है, राजश्री की मूवी है, सभी कलाकारों की बेहतरीन परफॉर्मेंस है, तो अगर कलेक्शन अच्छे आते हैं तो खुशी की बात है और ये डेफिनेटली हुआ है। तो अब इसका जो कलेक्शन है 19 डेज का वो हो गया 30.47 करोड़ रुपीज इंडियन नेट। तो दोस्तों, डेफिनेटली ऊंचाई फिल्म अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रही है। 35 करोड़ बजट है फिल्म का, तो ऑलरेडी फिल्म अपने ग्रोस कलेक्शन के आधार पर बजट को कवर कर चुकी है। 36.56 करोड़ रुपए इसका 19 दिनों का इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुका है और अभी भी ये फिल्म थिएटर में जमी हुई है और इसका फायदा है डेफिनेटली फिल्म के कलेक्शन को मिलने वाला है। अब आज फिल्म का कितना कलेक्शन आता है, फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना हो गया, फिल्म के शोज के बारे में क्या जानकारी है, ये सभी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, तो आप शाम के वीडियो को देखना मत भूलना। फिलहाल इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। टेक केयर।